शहर और आसपास के क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश से शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। शनिवार को शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ने से यहां शिप्रा के घाटों पर स्थित मंदिर जलमग्न दिखे। शहर सहित आसपास के क्षेत्रों में लगातार दो दिनों से बारिश का क्रम जारी है। लगातार हो रही बारिश से शिप्रा नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है। शनिवार को शिप्रा नदी का जलस्तर छोटी रपट के ऊपर पहुंच गया। साथ ही शिप्रा नदी के आसपास स्थित सभी देव स्थान और मंदिर जलमग्न हो गए। छोटी रपट पर पानी होने से यातायात द्वारा रपट पर आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया। लगातार हो रही बारिश से शिप्रा का जलस्तर तो बढ़ ही रहा है, वहीं गंभीर डैम में भी पानी आ गया है। पूरी तरह से सूख चुके गंभीर डैम में अब पानी दिखने लगा है, वहीं मौसम में भी ठंडक आ गई है। इधर इंदौर और देवास में हो रही बारिश से शिप्रा नदी उफान पर आने लगी है और त्रिवेणी स्थित पाला ओवरफ्लो होने लगा है। झमाझम बारिश को देखते हुए लगता है कि इस बार बारिश पिछले सालों की अपेक्षा अच्छी होगी। उसी को लेकर लगभग 24 घंटों से सतत बारिश जारी है। साथ ही मालवांचल के आसपास के शहरों में भी अच्छी बारिश हो रही है। वहीं उज्जैन से लगे देवास इंदौर में भी अच्छी बारिश होने के कारण शिप्रा नदी लगभग उफान की ओर है। त्रिवेणी स्थित शिप्रा बैराज पाले में पाले के खुलने के बाद भी शिप्रा पाले के ऊपर बह रही है। अब वह समय दूर नहीं है जब रामघाट सहित छोटा पुल के ऊपर पानी होगा। मौसम विभाग के अनुसार जिस तरह अभी बारिश हो रही है वह लगातार